कोविड-19 महामारी में डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पर लेकर कोविड मरीजों को ठीक करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कोविड मरीजों के इलाज में तैनात डॉक्टर्स भी एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन पूरा करने के बाद सेवाएं देने के लिए लौट रहे हैं, जिनका हौसला अफजाई करने के लिए प्रशासन भी मनोबल बढ़ा रहा है। कोविड-19 के 6 मरीजों को स्वस्थ करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और आउटसोर्स कर्मचारियों की टीम का आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचे सभी 20 सदस्यों की टीम पर फूलों की बारिश की गई। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल अनिल चौहान, MS अनिल वर्मा के अलावा टीम इंचार्ज अनुपम व डॉक्टर सुनील भी मौजूद रहे। कोविड योद्धा बने डॉक्टरों की टीम पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा फूलों की बारिश के साथ स्वागत किए जाने पर टीम के सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। टीम इंचार्ज डॉक्टर अनुपम और डॉक्टर सुनील ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों का सफल इलाज करने के बाद आज बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा दिए गए सम्मान को पाकर अच्छा लगा और जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से इस काम को कर पाए हैं। हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रिंसिपल सर का और MS सर का और सारे एंटायर फैकल्टी का, राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज का, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें आज कि इस तरह से ये जो फंक्शन है, ना केवल हमारे लिए लेकिन जितने भी वहाँ पे कोरोना के जो योद्धा गए थे उन सबको इस तरह सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही मोरल बूस्टिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले सब्सिक्वेंट बैचेज हैं उनको भी ठीक इसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डॉक्टर सुनील ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों का व्यवहार डॉक्टरों के साथ बहुत अच्छा रहा है और अस्पताल प्रशासन ने भी डॉक्टर की हर जरूरत को समय पर पूरा किया है, जिससे मरीज जल्दी ठीक होकर घर वापस गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बाकी कोविड के मरीज की देखभाल के लिए जाने वाली टीम भी इसी तरह से काम करे ताकि प्रदेश को कोरोना मुक्त किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत अच्छे तरह से अरेंजमेंट था, वहाँ डॉक्टर्स के रहने का और बाकी स्टाफ के भी रहने के लिए अच्छा था। हॉस्पिटल में भी अंदर जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सारी हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम थी जो हम बताते थे तो एकदम से वो सॉल्व होती थी, तो हमें रहने में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और पेशेंट का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था, पेशेंट भी काफ़ी खुश थे हमारी सर्विसेज से, तो मुझे लगता है ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम उनको अच्छे से सर्विसेज दे सकते हैं और आगे भी चाहेंगे जो बाकी बैचेस जाएं वो भी पूरे दिल से वहाँ सेवा करें और जितनी जल्दी हो हम कोरोना मुक्त करें अपने हिमाचल को, अपने भारतवर्ष को। आज आपको ऑनर मिला है क्या? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट हमारी सर्विसेज अप्रिशिएट हो रही हैं, तो इससे जो बाकी जाने वाले लोग हैं उनका मनोबल भी काफ़ी बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज के MS अनिल वर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के साथ समय बिताया है और इसी के वजह से कोविड-19 के मरीज स्वस्थ होकर गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले बैच ने पूरी एहतियात करते हुए कोविड-19 के समय में काम किया है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज सभी टीम के सदस्यों का फूलों की बारिश कर स्वागत किया है। अभी तक जो है 3 बैच का ऑनर कर चुके हैं, तो अगले 3 बैच बुलाए हैं आज, प्रिंसिपल सर ऑनर करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा ये रहता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ और स्टाफ नर्सिस, सिक्योरिटी स्टाफ और डॉक्टर्स, तो इनको थोड़ा ऑनर करके इनका एक मनोबल बढ़ता है। आपको पता है कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, जो कि जिससे अमेरिका, इंग्लैंड, जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी डरे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी हम पूरी ताकत के साथ इस कोरोना बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। तो जो लोग हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आगे कोविड वार्ड्स में ड्यूटी करते हैं, तो उनको ऑनर करके हम कोशिश करते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। पहले भी जो हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो समय समय पर ऑनर कर चुके हैं, जैसे हमारे विधायक जी लास्ट टाइम जो जिस बैच को ऑनर किया था, विधायक जी ने किया था, तो इस तरह से थोड़ा स्टाफ का मनोबल बढ़ता है। हमको भी लगता है कि भाई स्टाफ जो है हम सब मिलजुल कर एक तरह से पूरा एज ए टीम वर्क काम करें।
डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि राधा स्वामी भोटा अस्पताल में 38 पॉजिटिव मरीजों का इलाज के लिए पहुंचे थे, जिसमें से 4 मरीज ऊना के स्वस्थ होकर गए हैं, बाकी हमीरपुर के मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज भी 2 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेजा जा रहा है, वहीं एक अन्य एहतियात के तौर पर घर भेजने का फैसला लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के पास है जो सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर है, जिसको DCHC बोलते हैं, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। तो वहाँ अभी तक हमारे पास 38 कोरोना के पेशेंट्स आ चुके हैं, उसमें से 4 ऊना के थे, बाकी हमीरपुर के हैं। और इनमें से हमने करीब करीब सारे ही ठीक कर दिए हैं। आज हमारे पास 3 पेशेंट हैं, जिनमें से हम 2 को अभी घर भेज रहे हैं। जो तीसरा पेशेंट है, थोड़ा सा उसको डायबिटीज़ है, शुगर ज़्यादा है, अभी हम विचार करेंगे कि हालांकि उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, कि उसको किस तरह से घर भेजें, ताकि घर में भी जाकर उसका जो है पूरा देखभाल हो सके, क्योंकि शुगर का लेवल ज़्यादा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा 3 कोरोना वॉरियर टीम को सम्मानित किया जा चुका है और आज 4th से 6th कोरोना वॉरियर टीम को सम्मानित किया गया है।